टीम इंडिया के हरफन मौला क्रिकेटर रहे युवराज सिंह ने बीते गुरुवार यानी कि 12 दिसंबर को अपना 38वां जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि युवराज ने इसी साल विश्व कप के दौरान संन्यास का ऐलान किया, लेकिन युवराज सिंह को टीम इंडिया को दो दो विश्व कप जिताने का तबका हासिल है। बड़ी बात यह है कि युवराज सिंह ने कई मौकों पर भारतीय टीम को संकट से उबारा है और संकट मोचक बनकर उभरे। बड़ी बात यह रही कि युवराज को वो विदाई नहीं मिली जिस विदाई के वो हकदार थे, लेकिन 2015 और 2019 विश्व कप ना खेल पाने का उन्हें मलाल भी था। युवराज इस बात का खुलासा खुद भी कर चुके हैं कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा उनके 38वें जन्मदिन पर सुर्खियां ये रही कि टीम इंडिया के मौजूदा क्रिकेटर से लेकर कई पूर्व क्रिकेटरों ने युवराज सिंह को अपने ही अंदाज में विश किया, लेकिन एक क्रिकेटर जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी युवी को विश करने की, जो युवी का साथी भी रहा है, वो क्रिकेटर था महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरकार युवराज को बर्थडे पर विश क्यों नहीं किया, ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि युवराज के पिता योगराज सिंह से भी इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। योगराज सिंह ने पहले धोनी पर कई आरोप लगाए थे उनके बेटे के करियर को बर्बाद करने के लिए। ऐसे में क्या युवराज और धोनी के बीच खटास है, अब तक ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि युवराज और धोनी के बीच की खटास की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। लेकिन युवराज के जन्मदिन पर धोनी का विश ना करना एक अलग विवाद को पैदा कर रहा है। अब देखना होगा कि ये विवाद और आगे क्या नया मोड़ लेता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।